क्या कसूर है खालिद सर ये बच्चों का जो 20 महीने से अपने बाप का इंतजार कर रहे हैं। 20 महीने आप सोच भी नहीं सकते उन 20 महीनों के बारे में। आपके लिए सिर्फ कहना बहुत आसान होता कि पता ही नहीं चला कि इतने महीने निकल गए। हम कह रहे हैं ये तो हीरो है, ये हमारे हीरोज हैं, ये हमारे दौर के हीरोज हैं। इतिहास इनको सलाम करेगा और आज हम इनको सलाम करते हैं। हमें जेल की दीवारें इतनी ऊंची नहीं हो सकती कि हमारी आवाज उस तक ना पहुंचे। खालिद और इशरत को बेल मिलने वाली होती है, इशरत आपको मिल जाती है और उनको अभी मिली नहीं थी। फौरन ही इमीडिएट उनको FIR 59 में UAPA में अरेस्ट कर लिया जाता है। हमें नहीं पता कि वो क्या था, कैसे था, UAPA क्या है। मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता था, जिस दिन उनको 26 फरवरी को फर्स्ट डे अरेस्ट करा था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ लोग आए थे मेरे घर भागते हुए कि खालिद भाई को पुलिस ले गई है, तो मुझे लगा कि शायद जिस तरीके से वो कई बार प्रोटेस्ट में जाते हैं और डिटेन कर लिया जाता है आधा घंटा एक घंटे के लिए, तो मुझे लगा कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा और थोड़ी देर बाद रिलीज कर देंगे। वो मैंने फौरन उनका फोन ट्राई करा पर उनका फोन स्विच ऑफ, तो कभी उनका फोन स्विच ऑफ नहीं होता था। सुबह जब मंडोली जेल में मिलने गई तो मैंने उनको व्हीलचेयर पे आते हुए देखा, उनके हाथों पे निशान थे डंडों के, उनके बाल मोचे हुए थे यहाँ से, उनकी दाढ़ी उखाड़ी गई थी पूरा, यहाँ से दाढ़ी के बाल नहीं थे, उनके चेहरे पे खरोंचने के निशान थे, नेल्स के निशान थे। तो ये वो हिस्से थे जो मुझे दिखाई दिए थे। तब भी मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो उनका उनकी हालत दिख रही थी कि उनके साथ क्या करा गया था। पूछेंगे ना उनके परिवार वालों से या मुझसे पूछेंगे तो हमारे हलक के नीचे वो खाना नहीं उतरता। जब हम उनका जानते हैं कि वो दाल मिलती है पर उसके अंदर दाल नहीं होती, रोटी वैसी होती है, आप लोग अपने घर में कहते होंगे कि कच्ची रोटी है, पक्की रोटी है, रोटी के बजाय कच्चा आटा होता है वो। सर्दियों में गर्म पानी नहीं मिलता, जो मिल रहा है ठंडा है, आपको उसी से ही नहाना पड़ेगा। नहाना है तो नहाओ, नहीं नहाना मत नहाओ। आपको गर्मियों में मां एसी कूलर भी नहीं है, लगा हुआ सब कुछ है, गीजर भी लगे हुए, कूलर भी लगे हुए, पर ना उनको चलाना है ना उनको सही करवाना है। मतलब जो है गर्मी में आप गर्म फर्श पे सोइए, आप किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं ले सकते। ये उन लोगों के लिए, हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर मेरे शौहर ने या गुल ने या अतर ने या आसिफ ने नताशा ने द्वारा किसी ने अगर कुछ करा होता ना तो हमें ये सबक रहता कि शायद वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। बट जिन लोगों ने कुछ करा नहीं, जो लोग दंगे रुकवाने के लिए, खालिद दंगे रुकवाने के लिए भटक रहे थे, खालिद की लास्ट पोस्ट देखेंगे आप लोग तो उनका एक एम्बुलेंस के लिए पोस्ट थी कि अगर किसी को भी कोई एम्बुलेंस की दंगे वाली जगह पर अगर एम्बुलेंस की जरूरत हो तो वो इन नंबरों पर ट्राई करे जिनमें खुद खालिद का नंबर था। मतलब ऐसे इंसान को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से टॉर्चर करा जाता है, इस वजह से उसको जेल में रखा जाता है कि वो सबकी आवाज बन रहा था। मैं भी कहना चाहती थी कि मैं यहाँ पर आई हूँ गुलफिशा के लिए, तो आई हूँ मैं यहाँ, मैं उनके साथ सॉलिडेरिटी जताने आई हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, मैं नरगिस सैफी के साथ हूँ, तमाम लोगों के साथ जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो कि ये पूरी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड ज्यादती है उसके शिकार हैं। लेकिन यहाँ मैं अपने लिए भी आई हूँ, मैं यहाँ अपने लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि गुल जैसे लोग मेरे लिए खड़े हुए, गुल जैसे लोग हर हिंदुस्तानी के लिए खड़े हुए, जिसके ख्वाब थे एक लड़की जो टीचर बनना चाहती थी, एक लड़की जो हो सकता है मोहब्बत भी करती हो, एक लड़की जिसकी शादी होती, बच्चे होते, करियर होता और सबके बावजूद उसका एक आइडिया ऑफ इंडिया होता, जैसा बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ होता है।
लेकिन उसको उस सब एक नॉर्मल लाइफ से दूर करके इन 18 महीनों में क्या कुछ उसने सहा होगा, तो उसने अपनी आजादी की कीमत तो वो दे रही है लेकिन हम सब की आजादी को भी प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसलिए मेरे जैसे लोग कर्जदार हैं गुलफिशां जैसे लोगों के, क्योंकि मेरी आजादी को भी वो लड़की उसको भी प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे आज को प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे आने वाले कल को। तो न सिर्फ की मेरी मौजूदा पीढ़ी बल्कि मेरी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी गुलफिशां की कर्जदार। और इसलिए एक एक्टिविस्ट नहीं हूं, एक जर्नलिस्ट ही हूं, लेकिन एक एक्टिव जर्नलिस्ट हूं जो समझता है, सोचता है, देखता है, उसके पास दिमाग है, कलम है, कैमरा है, माइक है, लेकिन उसके पास एक जमीर भी है। और कभी कभी आपको सिर्फ अपने दिमाग नहीं बल्कि जमीर की आवाज, जिसमें दिल और दिमाग दोनों शामिल होता है, जमीर में आपको उसकी आवाज सुन के भी कुछ सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है, और इसीलिए कुछ चीजें आपके दिल के ज्यादा करीब होती हैं। मैं पिछले बहुत सारे सालों से इस प्रोफेशन में हूँ, लेकिन CANRC मूवमेंट को मैंने जिस तरीके से देखा, मैं कुछ आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस इसलिए शेयर करूंगी ये आपको बताने के लिए कि एक गुलफिशां होने के मायने क्या होते हैं, क्यों वो लड़की हमारे लिए इतनी जरूरी है, क्यों वो एक छोटी मासूम सी बच्ची, मैं पेट्रोनाइजिंग लैंग्वेज में बात नहीं करना चाहती, मेरे उसकी उम्र में फर्क भी है, लेकिन बच्ची में इसलिए कहना चाहती हूँ वो एक लड़की है, एडल्ट है, वो वोट कर सकती थी, वो समझती थी वो क्या कर रही थी। मैंने कई लोगों से उसकी कहानियां सुनी कि फेमिनिज्म को लेकर भी जो उसकी समझ थी, वो अच्छे अच्छे फेमिनिज्म फेमिनिस्ट जो है, जो सीजनड फेमिनिस्ट है, उनको सोचने पर मजबूर कर देती थी जिस तरह से वो सीजन हो गई थी। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वो एक लड़की, कम उम्र लड़की, वो क्यों इतनी खतरनाक हो गई कि वो 18 महीने से उसे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, वो ऐसा क्या कर सकती थी। और खासकर ये इसलिए भी अहम है कि आज के दिन एक सेलिब्रेशन का वक्त भी है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको एक बार फिर से रीइन्फोर्स किया गया है दो लोगों को, जो दो जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनके जर्नलिज्म से ज्यादा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है उसको फिर से पूरी दुनिया में एक सेंटर स्टेज मिला है कि कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो रोशनी है जिसके बगैर डेमोक्रेसीज विल डाई। करेगा ये सब काम, लेकिन आप एक सवाल पूछिए कि जहां वो बेल दे रहे हैं तो छूट क्यों नहीं रहे सारे लोग? अगर ये जज दे रहे हैं बेल, तो जिन मामलों में बेल उन्होंने दिया उनमें छूटे वही लोग जिन पर UAPA नहीं लगा। समझ जाइए कि UAPA क्यों लगाया जा रहा है। UAPA इसलिए लगाया जा रहा है ताकि सच्चाई पर पर्दा डाला जा सके और आप सचमुच बेगुनाह हैं, आपको बाहर होना चाहिए, आपको रिहा होना चाहिए, औरों को अंदर होना चाहिए, लेकिन आप परेशान होइए, आप जेल में सजा काटिए, बिना किसी सजा के सजा काटिए, इसके लिए UAPA है। और UAPA के बारे में यही कहिए कि भाई ऊपर से अमित का पुलिस को आदेश है। ये कुछ इस तरह है कि साहिल की खामोशी को चीरता हुआ लेके एहतजाज का एक सैलाब, आएगा इनकलाब, आएगा इनकलाब, पहन के बिंदी चूड़ियां बुरका हिजाब, कभी गौरी की आवाज बनके, कभी सावित्री के सपनों का आवाज बनके, कभी फातिमा की ढाल बनके, तो कभी अम्मी का लाल बनके, लेके अपने सीने में जज्बात ये बेबाक, आएगा इनकलाब, पहन के बिंदी चूड़ियां बुरका हिजाब। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।